जी बच्चों खैरियत से हैं सब। अलहमदुल्ला पेजेस वगैरह मिल गए आपको? सर। जी बुक्स सबने खरीद ली हैं अपनी? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास बुक ना हो अभी भी? अगर सबके पास बुक्स हैं तो फिर मेरा ख्याल है पेजेस शेयर करने की ज़रूरत नहीं है डेली। जी बताइएगा मुझे, बुक सबके पास हैं तो फिर मैं पेजेस ना शेयर किया करूं? ये सर जरूरत नहीं है, आई थिंक सबके पास बुक्स हैं, हमारे पास भी हैं। चलें ठीक है, कल से फिर मैं आपको पेज नंबर ही बता दिया करूंगा, तो पेजेस शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तब तक था जब तक आपको बुक्स का इशू था, तो बुक के बगैर तो वैसे भी याद नहीं होता। अच्छा, आज का पेज नंबर 217 पे है, टॉपिक हमारा नज़म है, नर्स अल मुमर्री जातू। ठीक है, के बाद हमारी एक नज़म पीछे रह गई है, वो इंशाल्लाह हम कल कर पढ़ लेंगे और नज़में भी हमारी मुकम्मल हो जाएंगी, और इसके बाद हमने स्टोरी पढ़नी है एक, ठीक है, कहानी जो कव्वतुल इखलासी अलक़िस्सातु एक स्टोरी है, उसके बाद फिर हमारा ये मुकम्मल हो जाएगा इस साइज का नज़म, स्टोरी और अहादीस का। फिर हमारी सिर्फ ग्रामर का पोर्शन रहेगा और उसको हम इंशाल्लाह अगस्त में ही मुकम्मल कर लेंगे, अगस्त की मिड तक, या कोशिश करेंगे इसको लास्ट वीक से पहले पहले हम मुकम्मल कर लें हिस्सा ग्रामर को। आज की जो हमारी नज़म है वो पेज नंबर 217 पे है, सब निकाल लें। अल मुमर्री जातू नर्स के बारे में है ये, कि बुनियादी तौर पर जो नर्सिस अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनकी खिदमात को सराहा गया है अरबी की इस नज़म के अंदर, और खराज तहसीन पेश किया गया है इसमें। बताया गया है कि वो किस तरह से अपने फ़राइज़ की सर अंजाम दही के लिए किस तरह से वो अपनी ड्यूटी से हट कर भी, एक तो वो है कि जो इंसान किसी कोई काम उसको दिया जाए, जिम्मेदारी दी जाए और उसके साथ कोई उजरत तय की जाए, तो वो उजरत के बदले में वो काम करता है। जिस तरह से एक मज़दूर दिन भर अगर उसको मजदूरी के लिए लगा दिया जाए, इसी तरह एक मैसन पूरा दिन वो मिस्त्रियों का काम करे, तो वो उतना ही काम करेगा बल्कि उससे भी काम करेगा जितनी वो उजरत ले रहा है। लेकिन कुछ शोभा जात ऐसे हैं जिनके अंदर उजरत से बढ़कर इबादत, अल्लाह की खुशनूदगी, अल्लाह की रज़ा शामिल होती है, उसमें हमदर्दी होती है, उस शोबे के अंदर इखलास होता है, उस शोबे के अंदर हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है इंसान का, अख़ुव्वत का जज्बा पैदा होता है, इज्जत और एहतराम में इजाफा होता है, एक दूसरे के वक़ार के लिए लोग शामिल होते हैं। कुछ शोभा जात ऐसे हैं जिनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे नर्सिंग एक जो ड्यूटी सर अंजाम देती है एक नर्स, ये शोभा भी, तिब का शोभा भी एक ऐसा शोभा है जिसमें उजरत के साथ साथ हमदर्दी भी है, अख़ुव्वत का रिश्ता भी है, अल्लाह की खुशनूदगी भी है, रज़ा भी है, सवाब और इबादत भी है। इसी तरह टीचिंग का शोभा है इसके अंदर भी। इस तरह से ये हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरह से मजहबी तबके से लोग वाबस्ता हैं, मजहबी एतबार से वो लोग भी अल्लाह की इबादत भी करते हैं, साथ
उजरत के अलावा अल्लाह की खुशनुदगी के लिए भी वो शामिल और पेश कदम रहते हैं। इसी तरह जो हमारी फोर्सेस हैं, फोर्सेस भी कह लें कि एक सिपाही जब बॉर्डर पे जाता है तो वो सिर्फ अपनी उजरत के लिए नहीं लड़ता बल्कि अपने मुल्क की इज्जत वकार के लिए भी लड़ता है, इस्लाम के लिए भी लड़ता है, अल्लाह के नाम की सरबुलंदी के लिए भी लड़ता है। हाँ जी, ये टेस्ट का पूछ रहे हैं, मैं माजरा चाहता हूँ आज आपके साथ शेयर नहीं कर सका लिस्ट किसी वजह से, कल इंशाल्लाह हर सूरत आपके साथ शेयर करूँगा ये लिस्ट और मार्क्स वगैरह बता दूंगा सबको, ठीक है जी। आज के लिए माजरा चाहता हूँ, कल इंशाल्लाह हर सूरत ये शेयर कर दूंगा जी, ज़रूर कल मैं इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक ओवरऑल आपको बता रहा था कि कुछ शोभा जात ऐसे हैं कि जिसमें इंसान की सिर्फ उजरत तनख्वाह सैलरी ही नहीं बल्कि उसकी इबादत की गरज से भी, अल्लाह की खुशनूदगी की गरज से भी वो काम सर अंजाम देता है। जिस तरह मैंने सोल्जर की मिसाल दी, मैंने टीचर की मिसाल दी, ठीक है, और भी बेशुमार शोभा जात ऐसे होंगे जिसके अंदर इंसान अपनी उजरत से सैलरी से बढ़ के इंसाफ के लिए, जिस तरह से मिसाल के तौर पर आपका शोभा है, ये भी यकीनी तौर पर एक इसकी अपने काम की सैलरी के अलावा, उजरत के अलावा जो काम करते हैं इंसाफ के लिए, तो ये अल्लाह की खुशनुदगी भी है इसके अंदर, अल्लाह की रज़ा भी शामिल है इस शोबे के अंदर, कि ना सिर्फ आप वो अपनी उसमें उजरत उसमें ले रहे हैं बल्कि ये अल्लाह की सिफात में से एक सिफ्त है उसकी इंसाफ करना। तो अल्लाह ने अपने नायब जो मुकर्रर किए हैं दुनिया के अंदर, तो जब वो इंसाफ को कायम करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनको उस चीज़ का सवाब भी अता करता है। तो ये भी शोबा आपका भी इसी के साथ रेलिवेंट है कि सिर्फ आप उजरत के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की खुशनुदगी के लिए भी इसमें अल्लाह की रज़ा भी शामिल होती है, इंसानों के साथ हमदर्दी भी शामिल होती है, मजलूम के लिए आवाज़ बुलंद करना जालिम के खिलाफ, ये बहुत बड़ी जो है ये एक बात है। जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफर की गई थी मक्का के लोगों की तरफ से, सरदारों की तरफ से, कि आप ये छोड़ दें रास्ता, हम आपको मक्का की सरदारी अता कर देते हैं, आप सल्लम ने फरमाया था कि मैं अल्लाह के हक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा, बेशक आप मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद ला कर रख दें, मैं फिर भी अल्लाह का रास्ता, हक का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। तो इसमें भी अल्लाह की खुशनुदगी आती है आपके शोबे के अंदर भी, कि जब आप इंसाफ के लिए जालिम के खिलाफ खड़े हों और जुल्म की आवाज़ बने, यकीनी तौर पर इसमें अल्लाह ताला की रजा भी शामिल होती है। बेशुमार केसेस का सामना करना पड़ता है एक वकील को बतौर पेशा अपने क्लाइंट के लिए, तो इसके लिए भी हमें होना चाहिए लाजमी तौर पर कि जालिम के लिए उसका मौकफ लेने के अलावा जो हम कोशिश करते हैं कि हत्तुल इम्कान के जालिम को किसी तरीके से बचाया जा सके, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा इसके ऊपर भी SOPs होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, जो सही सरीहतन बिल्कुल वाजिया हो जो केस उसके ऊपर स्पेशल इसके उसके मौकफ के बगैर, जिस तरह से हम लीगल और इलीगल चीज़ों के साथ कोशिश करते हैं कि जालिम का किसी ना किसी तरीके से साथ देकर उसको बचाया जा सके, इसके बरअक्स हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मजलूम का किसी तरीके से साथ दिया जा सके कोशिश करके, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बुनियादी तौर पर वो खिदमत इंसानियत के तौर पर जो लोग मामूर हैं, खास तौर पे एक नर्स को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है इस नज़म के अंदर। राई तुहा नजी फातुन, देखा मैंने उसको साफ सुथरा, राई तुहा ये फेले माजी है, जिस तरह से हम कहते हैं ऐसा मैंने देखा, ठीक है, सेकंड फॉर्म आप यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर देखने के लिए, मैंने देखा इस फिक्रे के लिए, तो इसी तरह राई काहू सेकंड फॉर्म है, ये फेले माजी है, मैंने देखा नजीफातुन साफ सुथरा, मैंने देखा उसको साफ सुथरा। अच्छा, ये इसका रई तुहा के आखिर आखिर पे जो हाज मीर है ये उस नर्स के लिए है, आगे नजी फातुन उसकी निफासत उसकी साफ सुथरी उसका साफ सुथरा होना बयान किया गया, ठीक है। नशी तातुन हफी खफी फातुन, फुर्तीली और चुस्त, नशी तातुन तेज तरीन फुर्तीली,
एक्टिव। बाज लोग होते हैं लेजी टाइप के, थोड़े से काम तो करते हैं लेकिन उस तरह की एक्टिवेशन उनके अंदर नहीं होती, एक्टिव नहीं होते वो, इस तरह से बड़े स्लोली वो काम करते हैं, बड़े आहिस्ता से, धीमे से, नरम मिजाज से वो किसी भी काम को सर अंजाम देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको हम आदतन जल्दबाज भी कहते हैं, मिसाल देते हैं हम उनकी कि ये काफ़ी जल्दबाज है अपने काम के एतबार से। तो फुर्तीला होना, जल्दबाज होना, एक्टिव होना, ये एक खूबी है किसी भी इंसान के अंदर। तो नशी फातुन फुर्तीली, खफी फातुन चुस्त। अब ये दो लफ्ज इस्तेमाल किए गए। हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो पेशेंट के लिए, जो इमरजेंसी के अंदर जो जाते हैं पेशेंट्स, हमने मोस्टली देखा है कि वहाँ का जो अमला है वो बहुत तेज तरीन फुर्तीला और एक्टिव होता है। फौरी तौर पर स्ट्रेचर से उतारते ही या चेयर से उतारते ही पेशेंट को वो फर्स्ट एड जो हम कहते हैं जिसको, वो इस कदर फुर्तीली से तेजी से देते हैं कि अगर ब्लीडिंग है किसी की, बाजू कटा है या किसी का कोई सर फटा है, तो हत्तुल इम्कान उनकी कोशिश होती है कि सबसे पहले ब्लीडिंग को किसी तरीके से रोका जाए। तो उनकी जो चुस्तगी, उनकी जो फुर्तीली है, ये उसकी तारीफ बयान की गई उस नर्स की, कि एक पेशेंट ये बतौरे, या कह लें इसको, या एक शायर जिसने ऑब्जर्वेशन की जाके हॉस्पिटल के अंदर, वो लिखता है उस नर्स के बारे में, देखा मैंने उसको साफ सुथरा, बिल्कुल नफासत के अंदर साफ सुथरा, पाकीजगी के लिबास के अंदर, साफ सुथरे लिबास में फुर्तीली थी वो नर्स और चुस्त थी, एक्टिव थी। अच्छा जी, फुआदुहा रहीमुन, उसका दिल मेहरबान है, व अतफुहा अजीमुन, उसकी शफकत बहुत बड़ी है, उसका दिल मेहरबान है। अब यकीनी तौर पर वो उसकी ड्यूटी भी है, ड्यूटी के अलावा पेशेंट के साथ इस कदर रहम दिल है कि वो उसको महसूस नहीं होने देती पेशेंट को कि बेशक वो उसके जख्म को वक्ती तौर पर, उसको उसका जख्म की ट्रीटमेंट में उसको दर्द भी महसूस हो रहा हो, लेकिन वो यकीनी तौर पर अपने रहम दिलाना, शफकताना, अपने दस्ते शफकत से इस कदर उसको मरहम पट्टी करती है कि हत्तुल इम्कान उसकी कोशिश ये होती है कि इसको कम से कम दर्द महसूस हो, जो दर्द इसको इस वक्त लाहिक है इसकी शिद्दत कम हो। यकीनी तौर पर ट्रीटमेंट के दौरान दर्द होता है पेशेंट को, लेकिन एक नर्स इस कदर शफकत के साथ, रहम दिली के साथ उसको ट्रीटमेंट देती है और इस कदर शफकत के साथ अपना वो ट्रीटमेंट जारी रखती है कि पेशेंट को ये महसूस होता है कि ये ट्रीटमेंट, यकीन होता है उसको कि ये मेरी भलाई के लिए है और दर्द में कमी महसूस करता है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी, मेरी लाइफ में भी कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए कि कुछ डॉक्टर्स, ये वैसे कम होते हैं इस तरह के, ज़्यादा नहीं होते, अच्छा, वो सिर्फ इसको एक बतौर पेशा लेते हैं, वो पेशेंट को, मरीज को इंसानियत के तौर पर, अखुवत के तौर पर नहीं समझते। मेरा ये एक्सपीरियंस वैसे हुआ है ज़ाती तौर पर। तो अगर उनसे कोई रिक्वेस्ट की जाए तो वो, मैंने एक रिक्वेस्ट की थी इस तरह से ना, छोटा भांजा था मेरा, उसका एक्सीडेंट हुआ तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया, तो बदकिस्मती से वो काफ़ी बुरा एक्सीडेंट था, तो छोटा सा बच्चा था अभी 8-9 साल का, तो उसका ये एक साइड पे कान का वो काफ़ी मसला बढ़ गया, वो कान समझ लें कि जैसे वो उतर गया था बिल्कुल आखिर से जाके, वो थोड़ा सा अटका था। अब उसने मुझे कहा डॉक्टर ने कि इसको आप ऐसा करें, इसको वॉश करें ऑपरेशन से पहले, उसकी वो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी होनी थी उसकी। तो मैंने जब उसकी पट्टी को खोला तो वो बिल्कुल बुरी हालत में था, तो मैंने कोशिश की उसको वॉश करने की पानी के साथ, लेकिन बच्चे की तकलीफ बहुत ज़्यादा थी और यकीनी तौर पर मैं ना तो कोई नर्सिस का कोर्सेज किया है, ना कोई मैं डॉक्टर हूँ इस तरह का कि मुझे ख्याल हो कि किस तरह से उसकी कान की सफाई करनी है, ज़ख्म को किस तरह से धोना है। मैंने उसे जाके रिक्वेस्ट की, मैंने गुजारिश की, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ऐसा करें कि काइंडली, मेरी जो पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो अमला है यहाँ पे उनमें से किसी को साथ लगा दें, या अगर आप बच्चे को ऑपरेशन थिएटर्स में लेके जाने से पहले, जब उसको मेडिसिन वगैरह लगाएंगे कोई, या उसको बेहोश करेंगे तो उससे पहले, इसको ट्रीटमेंट के से पहले ये
वॉश कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहा है, मुझे अंदेशा है कि वो कहीं बेहोश ना हो जाए इस दर्द से। तो डॉक्टर साहब ने मुझे एक ही लफ्ज़ का कहते हैं, आप अपने पेशेंट को ले जाएं। अब मैं काफ़ी उस वक्त शॉक भी हुआ, लेकिन सेकंड ऑप्शन नहीं थी ना कोई, क्या कर सकते हैं हम। तो मैंने फिर जाके खुद ही वो उसका वो सारा ज़ख्म और सर का वो वॉश किया। मैं ये मिसाल दे रहा था कि ये मिसाल क्यों देनी पड़ी मुझे, यकीनी तौर पर ये टॉपिक उनकी सर्विसेज को उनको अप्रिशिएट करने के लिए है आज की नज़म, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी की एग्जांपल मैंने इसलिए दी कि जब हम किसी अच्छाई को बयान करते हैं तो यकीनी तौर पर अच्छाई का रुतबा बुराई के मुकाबले में बड़ा होता है, नेगेटिविटी के मुकाबले में पॉजिटिविटी का रुतबा, मुकाम, इज्जत, रिस्पेक्ट बड़ी होती है। तो उन लोगों के रवैयों से जब हम कंपैरिजन करते हैं दो लोगों के एटीट्यूड को, उनके बिहेवियर को, तो फिर जो पॉजिटिविटी की तरफ हों लोग, उनको हम ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं बनिस्बत उनकी। इसलिए मैंने ये मिसाल दी कि यकीनी तौर पर जिस नर्स के बारे में ये एक कैटेगरी है बाकायदा उन लोगों की जो हमदर्द हैं, अखुव्वत के जज्बे को जो अपने अंदर वो बेदार रखते हैं उनके लिए, कि जो इस तरह से रहम दिल और नरम मिजाज हैं उनका रुतबा उनके मुकाबले में बड़ा है जो सख्ती से काम लेते हैं, उनके मुकाबले में उनका दर्जा बड़ा है। इसलिए ये मैंने आपको वाक्य आपके साथ शेयर कर दिया कि कुछ लोगों को सिर्फ अपने पेशे से गरज है, उनको अखुव्वत, हमदर्दी और जज्बा ईमानी की कोई और रज़ाए इलाही की, अल्लाह की खुशनूदगी का वो ख्याल नहीं करते, लेकिन करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है कि मैं कुल वो किसी इंसान पर मैं उसके उसकी जान से बढ़कर उसके ऊपर बोझ नहीं डालता। इसलिए इंसानों की भी चाहिए कि इस सुन्नत को, इस अमल को जारी रखते हुए किसी इंसान पर उसकी जान से बढ़कर उसको बोझ ना दिया जाए, तकलीफ ना दी जाए किसी इंसान को भी। लतीफ़तुल कलामी, वो नरम गुफ्तार है, तामलूफी निज़ामिन, वो एक निज़ाम के तहत काम करती है, और नरम गुफ्तार है उसका लहजा नरम है, बोलने का अंदाज उसका अंदाजे गुफ्तगु जिसको हम डिस्क्राइबेटिव स्टाइल कहते हैं, वो बहुत ही नरम मिजाज है। इस तरह से नरम मिजाज है कि आप महसूस करते हैं कि जैसे आपके घर का कोई फर्द हो, जिस नर्स की ड्यूटी अवार्ड में हो, वो आके इस तरह से ट्रीट करती है, इस तरह से बात करती है, बार बार मरीज से पूछती है अब आप कैसा महसूस करते हैं, दर्द कम हुआ, मेडिसिन का क्या असर महसूस किया आपने, इस तरह से वो पूछती हैं कि जैसे आपकी फैमिली मेम्बर से आप लोग आपकी ताज़ियत करते हैं। तो वो नरम गुफ्तार है, वो एक निज़ाम के साथ काम करती है, निज़ाम वो सिस्टम जो एक डेवलप किया जाता है उसके तहत वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देती है। ततूफ़ु बिद्दवाई, वो दवा के साथ चक्कर लगाती है, मेडिसिन लेके आती है, बार बार इंजेक्शन लेके आती है, आके चेक करती है, ड्रिप लगा के गई, आके उसने देखा कितनी रह गई, कम हुई, थोड़ी सी है, तो फिर वो वेट करती है उसके ख़त्म होने का, बड़े अच्छे अंदाज के साथ वो ट्रीटमेंट जारी रखती है, तो वो दवा के साथ बार बार चक्कर लगाती है, पूछती है मरीज को आके कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, फिर वो जाती है कुछ देर बाद फिर आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो इंसान को नफसियाती तौर पर साइकोलॉजिकली वो बेटर फील करता है, अपनी बीमारी के अंदर बेहतर महसूस करता है। वो एक और जैसे एक देखें ना, एक हमारी परसेप्शन भी है कि अगर खुदा ना खास्ता हमें कोई मर्ज लाहिक हो या कोई चोट लग जाए, तो जब तक उसका ट्रीटमेंट ना चले उस वक़्त तक हमारी परेशानी में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। जैसे ही उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है हमारे दिल को एक इत्मीनान मिलता है। वो किस चीज़ का इत्मीनान मिलता है कि अब ये पेशेंट जो बीमारी में मुब्तला है या किसी चीज़ की वजह से, इसका एक्सीडेंट की वजह से कोई जख्म आया है, तो अब ये बेहतरी की तरफ आ रहा है। तो जब तक उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता हम उस वक्त तक हमारी परेशानी में, टेंशन में इजाफा होता है। तो वो जैसे जैसे वो दवा आके लगाती है, उसको चक्कर लगाती है, तो उसका आना, बार बार पूछना ही बीमारी में नफसियाती तौर पर बेहतरी लाता है। फिर सुबह ही वल मसाई, सुबह और शाम, कि वो सुबह और शाम तक वो क्या करती है, बार बार अवार्ड में आके मरीज को, पेशेंट को पूछती है उसका हाल अहवाल। वता खुजुल हरारता,
यातिन महारती और टेम्परेचर लेती है इंतहाई महारत के साथ, टेम्परेचर को चेक करती है, बुखार को चेक करती है बार बार आके महारत के साथ, कि वो जिस भी बीमारी में मुबतला है, जिस किसी जख्म में भी वो लाहिक है, तो वो इस नरमी के साथ, इस महारत के साथ उसका टेम्परेचर चेक करती है कि एक तो उसको नफसियाती तौर पर अफाका महसूस होता है, उसमें बेहतरी महसूस होती है अपनी बीमारी में, दूसरा उसके जख्म को, उसकी बीमारी को मजीद तकलीफ में मुबतला किए बगैर वो उसका टेम्परेचर चेक करती है। फिल कफ्फी है शफाऊ यब आसूहुर राजाऊ, उसके हाथ में शिफा है जिस शिफा को पैदा करती है उम्मीद। अब यहाँ पे देखें एक बड़ी अच्छी उसने नज़म के अंदर ये लेके आया है मिसरा शायर, फी कफ्फी है शफाऊ, उसके हाथ में शिफा है। उसके हाथ में शिफा बुनियादी तौर पर किस तरह से है? अब शाफी तो अल्लाह ताला है ना, तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के हाथ में कोई ना कोई हुनर, अपना वसफ उसको अता किया है। इंसान को अल्लाह ने अपना नाइब कहा, नाइब इन्हीं खूबियों की वजह से कहा। आलिम अल्लाह ताला है, इंसान को अल्लाह ने इलम की सिफत से नवाजा, तो ये उसका नाइब है। शिफा देना अल्लाह का काम है, इंसान के हाथ में वसीला के तौर पे, जरिया के तौर पर, ये डॉक्टर के हाथ में, तिब के हाथ में ये अल्लाह ने अता कर दिया तो अपने नाइब को दिया। इंसाफ करना अल्लाह की सिफत, इंसाफ के लिए अल्लाह ने इंसान को बतौरे जज, मुनसिफ, वकील मुकर्रर कर दिया तो अल्लाह ने अपनी सिफत अता की और अपना नाइब कहा। रिज्क देना अल्लाह की सिफात में है, तो लोगों का रिज्क दूसरे लोगों के साथ अटैच करके अल्लाह ने उनके लिए जरिया बना के अपनी ये खूबी, अपना ये वसफ इंसान को दिया और इसको अपना नाइब कहा। नाइब कहने का बुनियादी तौर पर मुतलकन मतलब, ये टीचर्स को अल्लाह ने इलम दे के अपना जो वसफ है इलम का वो अता किया, तो बुनियादी तौर पे अल्लाह ने इंसान को अपना नाइब जो कुरान के अंदर कहा है, फरिश्तों के अंदर ये बात जो अल्लाह ने जाहिर की कि मैं अपना नाइब मुकर्रर करना चाहता हूँ, नाइब पैदा करना चाहता हूँ, तो वो इन्हीं औसाफ की वजह से अल्लाह ने कहा था कि अपनी सिफात इंसान को दी थी। और अल्लाह ने फिर इंसान को वो औसाफ देकर फ्रीडम दी, अल्लाह ने आज़ादी दी इंसान को, बिल्कुल अल्लाह ने इंसान को आज़ाद कर दिया कि जाओ तुम्हारे पास ये औसाफ हैं, इनको यूज करो, इस्तेमाल करो, फिर मैं परखूंगा कि तुम में से कौन है जो अल्लाह की खुशनूदगी के लिए इन औसाफ के ऊपर अमल करके मेरी रजा को बजा लाता है। ठीक है, अल्लाज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने जिंदगी और मौत को पैदा करके इंसान के हाथ में आजादी दे दी, फ्रीडम दे दी, कि कौन है तुम में से जो अहसनु अमला, अच्छे अमाल करेगा अल्लाह की खुशनूदगी के मुताबिक। तो बुनियादी तौर पर ये वो औसाफ हैं जो इंसान को बतौर नायब अल्लाह ने अता किए हैं। तो अल्लाह ने उसके हाथ में शिफा रखी है, तो बुनियादी तौर पर अल्लाह ने उसको शिफा का जरिया बनाया है और अपना ये वसफ उसको अता किया है। ठीक है, अच्छा, जिसको पैदा करती है उम्मीद। अब इंसान के लिए सबसे बड़ा इलाज है उम्मीद किसी भी काम का। हम साल भर मेहनत करते हैं स्टडी के अंदर, किस उम्मीद पर? हमें इसका समर मिलेगा, हमें इसका फल मिलेगा। मजदूर दिन भर मजदूरी करता है किस उम्मीद पर? शाम को मुझे यहाँ से उजरत मिलेगी। तमाम जितने भी लोग यहाँ पे दुनिया के अंदर, सबसे बड़ा जो किसी का इलाज है, जो किसी की मजदूरी है, वो है उसकी उम्मीद। उम्मीद इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी जामिन है। हम इस उम्मीद पर जिंदगी बसर करते हैं कि हम अच्छे माल कर लेंगे और अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा। हम इस उम्मीद पर तोबा करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला माफ करने वाला गफूर रहीम है। हम इस उम्मीद पर मेहनत करते हैं कि हमें इसका समर फल मिलेगा। तो उम्मीद ही दुनिया के अंदर इंसान, जिस इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है, वो उस इंसान की तकरीबन जिंदगी मफलूज हो जाती है, साकिन हो जाती है, रुक जाती है। उम्मीद के लिए अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर दर्स दिया है इंसान को कि उम्मीद का दामन मत छोड़ें। उम्मीद का जो अपोजिट वर्ड है वो है मायूसी। अल्लाह ने मायूसी को गुनाह के जिम्मे में करार दिया है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह तक, अल्लाह ताला फरमाता है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, कभी भी मेरी रहमत से मायूस मत हो। तो मायूस, उम्मीद के मुकाबले में मायूसी का लफ्ज है, तो अल्लाह ने मायूसी को गुनाह के जिम्मे में करार दिया।
और अल्लाह ने उम्मीद के साथ वाबस्ता रहने के लिए कुरान के अंदर तलकीन फरमाई। अल्लामा इकबाल की शायरी के अंदर भी हमें उम्मीद की एक बहुत बड़ी मिसाल मिलती है उनके शेर से, पावस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। ये शेर जो उनका है उसके मिसरे के अंदर उन्होंने कहा कि शजर के साथ पैवस्ता रह, मिल्लत के साथ राबिता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। कि हमें उम्मीद, अच्छी उम्मीद के लिए हमेशा मुस्बत सोच के साथ ये इसको बांधे रखना चाहिए। आने वाला वक्त इंसान के लिए मज़ीद बेहतरी लेके आता है। हम अपने आज में लड़ते हैं अपने कल के लिए, तो हर दुख के बाद अगर दुख ना हो तो खुशी हमें किस तरह से महसूस होगी। सारी दुनिया अगर अंधी होगी तो नए कपड़े कौन पहनेगा। तो बुनियादी तौर पर जो एक चीज़ आती है, तकलीफ आती है, तो आसाइश की नेमत से हमें आशना करती है। दुख आता है, गम आता है, तो हमें खुशी से आशना करता है। बीमारी आती है तो तंदुरुस्ती की नेमत से आशना करती है, उसकी इज्जत और उसका वकार में इजाफा करती है। तो उम्मीद ही इंसान के लिए सबसे बड़ी दुनिया के अंदर शिफा है। फी क़ल्बिहा हनानुन, उसके दिल में शफकत है, या बुसहुल लिसानुन, जिसको फैलाती है यानी जाहिर करती है जुबान। उसके दिल में शफकत है, ये नर्स के बारे में कहा गया कि वो ही क्या करती है, अपनी शफकत से, अपनी रहम दिली से वो किसी भी मरीज का इलाज करती है। तो या वो सहुल लिसान हूँ, जिसको फैलाती है, जाहिर करती है जुबान। ठीक है, तो लिसानुल अरबी आपकी किताब का नाम है, तो यहाँ पे वो सीगा आ गया है लिसान का, तो इसका मतलब जुबान। कोई आपका सवाल हो इस नज़म के मुतालिक, समझ आ गई सबको कि ये किस मौजू के तहत लिखी गई है, इसका बुनियादी तौर पे मकसद क्या है? जी रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं फिर आगे चलूंगा ना। जी सर। ओके थैंक यू। कुछ सवालात दिए गए हैं, इसका दो हिस्से हैं इस नज़म के। एक हिस्से में इसका मफहूम बयान किया गया है, कुछ सवालात बताए गए हैं, दूसरे हिस्से में इसमें ग्रामर शामिल की गई है। तो ग्रामर बुनियादी तौर पर हम पढ़ भी रहे हैं पीछे, लेकिन जो इसके अंदर शामिल की गई है वो टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़ा। वो टॉपिक है अफ़ाल का, फेल का, वर्ब का। तो इसमें उन्होंने पूछा है फेल के बारे में, अफ़ाल के बारे में, कि इसके अंदर जो वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं वो कौन से हैं, जिस तरह से रायतु, जिस तरह से तामलू, जिस तरह से ततूफ़ु, ताखुजू, यबासु, इस तरह के उन्होंने पूछे हैं वर्ब्स। और पूछा है कि ये वर्ब्स की कौन सी फॉर्म्स हैं, किस ज़माने में पाई जा रही हैं। अभी आप इसको याद तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रट्टा लगा के याद कर सकते हैं, बाकी जो इसका असल, जो इसको अंडरस्टैंड करना है आपने, लर्निंग करनी है जो इसमें से, जब हम हिस्सा ग्रामर में फेले माजी, फेले मुजारे, फेले मुस्तकबिल पढ़ेंगे, उसमें ये आपको बिल्कुल ये समझ आ जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो पहले हम सवालात पढ़ लेते हैं इसके। अच्छा जी, सिफ क़ल्बिल मुमर्रज़ाती, नर्स के दिल की सिफ्त बयान करें। तो नज़म के अंदर बयान किया गया है कि उसका दिल कैसा था। क़ल्बुहा हनानुन, उसका दिल मेहरबान है। मता ततूफुल मुमर्रज़ातु बिद्दवाई, नर्स दवा को लेकर कब घूमती है। ततूफु, वो तवाफ़ करती घूमती है, बिद्दवाई फि सुबह वल मसाई, नर्स सुबह शाम दवा लेकर घूमती है। लिमाजा, क्यों। अच्छा, लिमु आ लाजातिल मर्ज़ा, बीमारों के इलाज के लिए वो दवा लेके घूमती है। मा हुआ शाउल्लाजी यब अस, मा हुआ शईउल्लाजी यब असुशिफा, कौन सी चीज़ शफा पैदा करती है।
अशाउल्लाजी यबअसु शिफाआहु वर्रजाउ, शफा को लाने वाली चीज उम्मीद है। यहाँ पे आगे उन्होंने पूछा है कि तरकीब नहवी कीजिए, ये भी आपका हिस्सा ग्रामर है, और इसके जो अफाल हैं फेले माजी और फेले मुजारे, ये भी आपके हिस्सा ग्रामर में से हैं। कुछ अल्फाज उन्होंने दिए हैं, उन अल्फाज का मतलब पूछा है यहाँ पे, वो हम पढ़ते हैं इससे आगे। अतफू शफकत और मेहरबानी, ततूफू चक्कर लगाती है, अल हरारतु टम्परेचर हरारत, बिगा या तिल महारतु इंतहाई महारत के साथ, कुफीहा कफीहा उसकी हथेली, यब आंसू उबारती है, या बुसू अच्छा फैलता है, हनान शफकत, ये वो अल्फाज हैं जिनके माना आपने याद करने हैं। ये अल्फाज इन्होंने आगे दिए हैं, इनके जवाबात पीछे भी हो चुके हैं, ठीक है। ये आप पीछे भी जो जवाबात दिए गए हैं ये इन्हीं के सवालात के मुताबिक हैं। फलबुहुल ममरजाती रहीम वफी ही हनानुन, ठीक है, कि उसके दिल में जो क्या है, उसके दिल में रहम है, उसके दिल में शफकत है। ततुफु भी दवाई थी सुबह ही वस वल मसाई, वो सुबह शाम दवा लिए घूमती है, ठीक है। ये पीछे आपने पढ़ लिए हैं ये सवालात, ये वही आगे दोबारा आए हैं। ये आपकी नज़म आज मुकम्मल हो गई है, तीसरी, कल हम लास्ट नज़म पढ़ेंगे और ये हमारी नज़म जो शायरी का है ये मुकम्मल हो जाएगा हिस्सा। उसके बाद हम एक कहानी स्टोरी है वो पढ़ के, इस हिस्से को मुकम्मल करने के बाद सारा फोकस हम फिर ग्रामर पे करेंगे, और ग्रामर को हम कंटिन्यूसली जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन समझ भी आएगी और याद भी होगी। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्सा ग्रामर का, वो है हरूफ जारा का, पेज नंबर 40 पे आ जाएं। इसमें दो चीज़ें बयान की गई हैं, हरूफ जारा भी है और ज़मीर मुत्तसिल भी है, मुनफसिल भी है इसके साथ, ठीक है। हरूफ जारा के साथ ज़मीर मुनफसिल भी बयान की गई है, तो दोनों टॉपिक हम आज इसमें पढ़ते हैं। पेज नंबर 40 पे आ जाएं सारे। 40 कर लिया ओपन साहब ने, जी शुरू करें जी। यस जी ठीक है, हाँ भाई पूछना होता है ना, असल में जाग रहे हैं, ये भी जरूरी है ना, साथ साथ इस तरह के लेक्चर्स जब सुनते हैं तो फिर नींद भी, क्योंकि इल्म खुदा की रहमत है, तो जब खुदा की रहमत नाजिल होती है तो हमें सुकून मिलता है, और सुकून की अलामत नींद है, इसलिए हमें पढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा नींद आती है। हम पढ़ते हैं ज़मीर मुनफसिल और हरूफे जारा, ठीक है। दो टॉपिक हैं इसमें, ये फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट जो पेज है 40 पे, इसके ऊपर कॉलम दिया गया है एक, इसमें वो अल्फाज बयान किए गए हैं जो इस एक्सरसाइज में मशक के अंदर इस्तेमाल होंगे। फाउकुन ऊपर, तहतुन नीचे, अमामुन सामने आगे, हल्फुन पीछे, इंदा मा पास साथ। अच्छा आगे दूसरे हिस्से में ज़मीरें मुनफसिला और हरूफ जारा, ये दोनों के अल्फाज दिए गए हैं, जैसे इला तक फी में ली के लिए मिन से अन के बारे में, अला पर बी बे साथ, जो बा हम पढ़ते हैं जिस तरह से बिस्मिल्लाह का बा शुरू में आया है, बा हरफे जर, ठीक है, अल्लाह के नाम के साथ। अईना कहाँ, अना मैं नाहनु हम, ये ज़मीर मुनफसिला है। आंता आंती, आंता तू मर्द, आंती तू औरत, तो ये ज़मीर मुनफसिला हैं। हम वो सब, ये भी ज़मीर मुनफसिला है। हुआ वो मुजक्कर ज़मीर मुनफसिला है। समाउन आसमा, सरीरुन चारपाई, हिया वो मोनस, ठीक है, ये भी ज़मीर मुनफसिला है। सबकी इशारे के अंदर जो बताया गया है नीचे, कुछ ज़मीरें तो हमेशा ही किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर आती हैं, इनको अलग से लिखना मुमकिन नहीं होता, इन ज़मीरों को ज़मीरे मुत्तसिला कहते हैं।
और कुछ ज़मीरें ऐसी होती हैं कि उनको किसी लफ्ज़ के साथ मिलाकर लिखना मुमकिन नहीं होता। ऐसी ज़मीरों को ज़मीरें मुनफसिला कहते हैं। मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ी जुड़ा हुआ या जुड़ी हुई चीज़। मुनफसिल का मतलब होता है अलग से, सेपरेट, जिसको हम कहते हैं। ये नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इनका माना और मतलब क्या है। अच्छा, इन्होंने ज़मीरें मुनफसिला की मिसाल दी, अना, अंता वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये वो ज़मीरें हैं जो ज़मीरें मुनफसिला हैं, जैसे पीछे भी हमने पढ़ी और इसमें पूरी एक उन्होंने चार्ट की सूरत में दे दिया। हुआ, हिया, हुमा, हुमा, हुम, हुन्ना, अंता, अंती, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, अना, नहनु। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, कुछ ज़मीरें ऐसी हैं जो एक जैसी हैं, जैसे हुमा और हुमा। राइट साइड पे भी हुमा लिखा है और लेफ्ट साइड पे भी हुमा लिखा है। ये आता है दो के लिए, जैसे हुआ हुमा, ठीक है, इसी तरह हा हुमा। औरत के लिए भी हुमा ज़मीर आएगी दो के लिए, और दो मर्दों के लिए भी हुमा ज़मीर आएगी। ठीक है, हुम ज़मीर आएगी ज़्यादा मर्दों के लिए, हुन्ना ज़मीर आएगी ज़्यादा औरतों के लिए। अंता आएगी एक मर्द के लिए सामने, अंती आएगी एक औरत के लिए। अंतुमा दो मर्दों के लिए, और अंतुमा सेम दो औरतों के लिए, एक जैसी लफ्ज़ ज़मीर आएगी, एक जैसा सीगा आएगा। अंतुम, अंतुन्ना, अना, नाहनु। ठीक है, ये वो ज़मीरें वाहिद के तौर पर, तस्निया के तौर पे और जमा के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। आगे जुमले आते हैं कुछ, ये मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, डिफाइन करके बताता हूँ, और एक दो मैं मिसाल देता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि इनके अंदर ज़मीरों का जो कॉन्सेप्ट है, या आप मुझे बताएंगे जिससे मैं पूछूंगा आप में से। ठीक है जी, जुमले। मन अंता, तू कौन है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, एक लफ्ज आया था। ठीक है, मन हाजी वो कौन है, या मन हाजा वो कौन है। तो यहाँ पे मन अंता, तू कौन है, जैसे हम कहते हैं हु आर यू इंग्लिश के अंदर, ये सेंटेंस पूछते हैं। अना तालिबुन, मैं तालिबे इल्म हूँ। इन दोनों जुमलों के अंदर दो ज़मीरें इस्तेमाल की गई हैं। मन अंता के अंदर अंता ज़मीर इस्तेमाल की गई है, और अना तालिबुन के अंदर अना ज़मीर मुनफसिला इस्तेमाल की गई है। ठीक है, वाहिद के लिए इस्तेमाल की गई, एक उसने अपनी जात के लिए इस्तेमाल की बतौर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और एक इस्तेमाल हुई बतौर ऑब्जेक्ट। मन अंता, तू कौन है, तो अंता जमीर बतौर ऑब्जेक्ट आई है इस फिक्रे के अंदर, और अना तालिबुन, अना जमीर बतौर सब्जेक्ट आई है अपनी शनाख्त के लिए। मन अना, मैं कौन हूं, अब ये टू सेंस सेंस में आता है। मिसाल के तौर पे या तो बंदा गुस्से में पूछता है हु आई एम, या फिर बंदा पागलपन में पूछता है। ठीक है, होशो आवास में ना हो तो फिर पूछता है, ये दो सूरतें होती हैं। गुस्से में इस तरह से हम पूछते हैं, जब हम किसी से बात कर रहे हों तो हम गुस्से से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा है, तो फिर वो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ स्टूडेंट अपने टीचर को कहता है कि यू आर माई टीचर, तो टीचर फिर आगे कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे सामने ये लफ्ज़ बोलने की। इसी तरह आप एक वालिद अपने बच्चे को, अपनी औलाद को कहता है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, तो बच्चे बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स यू आर माय डैड। तो जब वो ये बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो गुस्से में पूछता है, क्योंकि सामने से या तो उसको वो लफ्ज सुनने को मिला जो उसको पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना तारुफ करवाने के लिए कहा गुस्से के अंदर कि मैं कौन हूँ। या फिर पागलपन में इंसान पूछता है जब वो अपने होशो हवास खो देता है, और होश में आने के बाद कहता है कि हु आई एम, कि मैं कौन हूँ। तो इस सेंस में ये पूछा गया कि एक जुमला बनाया गया, मन आना, मैं कौन हूं, तो इसका जवाब अंता उस्ताजू, तू उस्ताद है। तो ये स्टूडेंट की तरफ से ये आ गया फिकरा। हल अंता करीबुन, क्या तू करीब है। यहाँ पे हल जो है ये हरफे इस्तफहामिया है, सवालिया है, अंता इसके अंदर जमीर है। अच्छा, क्या तू करीब है, नाम, जी हाँ, अना करीबुन, मैं करीब हूं, तो इसके अंदर अना जमीर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक एक स्टूडेंट फिक्रे को आगे बढ़ाते जाएं, जैसे यहां पे खालिद, खालिद साहब आज नजर आ रहे हैं हमें। खालिद साहब, आप मेरे ख्याल से कुछ छुट्टियां नहीं करके आए।
खालिद साहब की आईडी से मेरे ख्याल से, खालिद साहब, अच्छा इरवा खालिद, सॉरी सॉरी, इरवा खालिद है। ठीक है जी, आप अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो नेक्स्ट जुमला मैं बोलने जा रहा हूँ, आपने इसमें मुझे क्विकली बताना है कि इसमें ज़मीर क्या है। हल आना बाईदुन, जी हल क्या है और ज़मीर कौन सी है इसके अंदर? जी मेरे ख्याल से इदवा नहीं बोलेंगी, या तो ये कम ही पार्टिसिपेट करती हैं। जी कोमल हसन, हल आना बाईदुन, पेज आपके सामने है, आप बताएं जरा। किंजा खालिद, जी सर अना यस जी हल इसमें इस्तफहामिया है और अना इसमें जमीर है। ठीक है सर जी, अच्छा बाकियों को शायद मेरी आवाज़ उस वक्त नहीं जाती जब मैं कुछ पूछता हूँ, वैसे ओवरऑल जाती रहती है, मैं बदगुमानी नहीं करता किसी के बारे में, यकीनी तौर पर मेरा लेक्चर सुनते हैं, यारी बात है जो प्रेजेंट है, लेकिन जब मैं सवाल पूछता हूँ तो उस वक्त मेरे ख्याल से ज़रा ना थोड़ी कम जाती है आवाज़। जी मैं फिर इसका मतलब है कि खुद ही कर देता हूँ, क्योंकि सारा काम यहाँ पे वो मुझे ही करना पड़ेगा। यकीनी तौर पे ग्रामर का ज़्यादातर हिस्सा आपको सॉल्व करना चाहिए ताकि आप रूल्स को अप्लाई कर सकें और आप बेहतर समझ सकें इसको। ठीक है, मैं आपको काम दे देता हूँ कुछ आगे इसको मुकम्मल करवाने के बाद, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली इसको देख के आइएगा, याद करके आइएगा। ठीक है, मैं इसकी कुछ मिसालें पढ़ा के आपको हरूफ इजारा पे लेके जा रहा हूँ, बाकी मिसालें आप खुद घर से करके आएंगे, बड़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नाम अंता बाईदुन, इसमें अंता ज़मीर है, और अना तालिबा तू, मैं तालिबा हूँ, इसमें अना ज़मीर है। इसके अलावा हम चलते हैं आगे, हुआ ज़मीर के ऊपर नीचे, मन हुआ वो कौन है, हुआ सिद्दीकी, वो मेरा दोस्त है, सिद्दीक कहते हैं दोस्त को। ठीक है, तो इसके अंदर हुआ ज़मीर, ज़मीरे मुनफसिला। ठीक है, इसी तरह हल हुआ सिद्दीक का, क्या वो तेरा दोस्त है, नाम हुआ सिद्दीकी, वो हाँ वो मेरा दोस्त है। मन हिया, अब हम आ जाते हैं हिया ज़मीर, वो कौन है, हिया उस्तादतुन, वो उस्तानी है। हल हिया तिलमीज़तुन, क्या वो शागिर्द है, नहीं यहाँ पे शागिर्दा आएगा उर्दू के अंदर। ठीक है, क्या वो शागिर्दा है, हाँ आगे डाल दी जाएगी मोनस की। ला बल, नहीं बल्कि, हिया उस्तादतुन, नहीं बल्कि वो ये उस्तानी है। आगे हम चलते हैं, मान मा हाजिही, ये क्या है, ये पढ़ लिया आपने वैसे हाजिही का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे नहनु के ऊपर आते हैं, नहनु तला मिजातुन, हम शागिर्द हैं, नहनु बनातुन, हम लड़कियां हैं, नहनु तिलमीजातुन, हम शागिर्दियां हैं, ये लड़कियों के लिए आएगा तिलमीजातुन। अच्छा आगे, ऐना मदरसातु का, तेरा स्कूल कहाँ है। ठीक है, हाज ही मदरसाती, ये मेरा स्कूल है, हाज ही शाजरातुन, ये दरख्त है। ये आगे बाकी वो मिक्स आ रहे हैं, कुछ सवा उसमें कुछ ज़मीरें इस्तेमाल की गई हैं, बड़ा आसान है, यह आपने खुद पढ़ के आना है। नेक्स्ट आ जाएं हरूफ जारा पर, पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 पे आएं, हरूफ जारा पढ़ने आज हमने, ये पहले भी पढ़े हुए इसलिए ये बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। उर्दू में अज्जाए कलाम तीन होते हैं और अरेबिक के अंदर भी हमने तीन ही पढ़े हैं, अज्जाए कलाम, इसम, फेल और हरफ। इसम के बारे में मैंने आपको बता दिया था, तमाम चीज़ों के नाम असमा कहलाते हैं, और फेल किसी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है। तीसरी चीज़ बची है हरफ, आज हम हरूफ जारा, वो खास हरूफ जो इस्तेमाल होते हैं। हरफ की तारीफ हमने यूं पढ़ी थी, या तो ये दो असमा को मिलाने के लिए आता है, या एक इसम और एक फेल को मिलाने के लिए आता है, या दो फेलों का दरमियान आता है, या एक फेल और इसम के दरमियान आता है। इसका अपना जाती कोई माना नहीं होता, बल्कि ये असमा से और अफाल से मिलके अपना माना जाहिर करता है। ठीक है, और इनके बगैर असमा और अफाल के माना भी बाज़ दफ़ा मुकम्मल नहीं होते।
अच्छा, ये हरूफ एक शेर की सूरत में लिखे गए हैं याद करने की आसानी के लिए, ठीक है। जैसे तक में से पर को, ये वो हरूफ हैं जो हम उर्दू में पढ़ते हैं, और इंग्लिश में भी हम इसको ऑफ जैसे हरफ है, ठीक है, और टिल तक, हम टिल एक वर्ड यूज होता है, ठीक है। इस तरह से और भी हरूफ हम काफी पढ़ते हैं इंग्लिश के, इन में हम पढ़ते हैं फ्रॉम, जो से इंग्लिश के अंदर, ये भी उसके हरूफ हैं, डिजिट्स उसके हैं। और अरबी के अंदर ये एक पूरा चार्ट दिया गया है। अरबी में हरूफ को हरूफ जारा कहा जाता है, उर्दू के बारक्स अरबी में ये इसम के शुरू में आते हैं, और उर्दू में तो ये दरमियान में आते हैं ना, जैसे किताब में फूल, तो किताब में, किताब इसम पहले आया और में हरफ बाद में आया, लेकिन इंग्लिश उसमें अरबी का असूल है कि हरफ पहले आता है और इसम बाद में आता है। मिनल मस्जिदी, मस्जिद से, ठीक है। अब मिन जो है ये से का माना दे रहा है, और मस्जिदी इसम है तो इसम से पहले मिन आया। अरबी में इन हरूफ को हरूफ जारा कहने की वजह यह है कि ये जब इसम पर दाखिल होते हैं तो जिस इसम के शुरू में आते हैं उस पर जर आ जाती है, जेर आ जाती है, गोया वो इसम मजरूर हो जाता है, इसलिए इन हरूफ को हरूफ जारा कहते हैं। जिस इसम के साथ ये मिल के आते हैं उसके नीचे आखिर पे या तो दो जेर आती हैं या दो जबरे आती हैं, तो दो जेर और दो जबर वाले जिसके आखिर पे दो जेरें या एक जेर आए तो उसको कहते हैं मजरूर, जर के साथ आने वाला हरफ। जैसे अल किताबुन से, जब हम इसको फिल किताब भी करेंगे तो ये अल किताबुन, किताबुन से फिल किताब भी बन जाएगा। मस्जिदुन को जब हम हरूफे जारा के साथ लेके आएंगे फिल मस्जिदी बन जाएगा, मजरूर हो जाएगा, ये जर के साथ आएगा, जेर के साथ आएगा, कसरा के साथ आएगा, एक जेर के साथ या दो जेर के साथ, इसलिए इनको हरूफे जारा कहा जाता है कि जिन इस असमा के साथ के मिलके आते हैं उनको ये क्या कर देते हैं, मजरूर कर देते हैं जी। ये हरूफे जारा टोटल 17 हैं, बा ता काफ लाम वाओ मुज मुंजो मुज खला रुबा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। याद रखने के लिए इन हरूफ को एक शेर की सूरत में दिया गया है, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुजो मुज खला रब रुबा हाशा मिन अदा फी अनी अला हत्ता इला। ये एक शेर है जो आपकी किताब के अंदर भी मौजूद होगा, तो ये शेर को याद करें तो हरूफ जारा आपको याद हो जाएंगे, या आसानी के लिए इसको लिखा गया है एक शेर की सूरत में, ठीक है। तो इसको हम बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुजो मुज खला, इस तरह से इसकी तरतीब याद करेंगे जी। अल मुरक्कबात, तू ये वो मुरक्कबात हैं जिनके अंदर फेले, जिनके अंदर हरूफ जारा लागू हुए, ये उसकी मशक करवाई गई है आगे। मिनल बैती इलल मस्जिदी, घर से मस्जिद तक, तो मिनल बैती, अब देखें बैती घर इसम है और इसके आखिर पे जेर है, क्योंकि इसके शुरू में क्या हुआ, हरूफे जारा आ गया, तो हरफे जारा क्या आया, मिन। इलल मस्जिदी के आखिर पे देखें दाल के नीचे जेर है, इसम के पीछे क्या है, हरूफे जारा इला तक, तो इसको क्या कर दिया उसने, मजरूर कर दिया। इसी तरह मिनल हदीकाती इलल मदरसाती, बाग से स्कूल तक, तो हदीक आती के आखिर पे देखें जेर है जो कि हरूफे जारा की वजह से आई है। वैसे ये लफ्ज अगर असल हालत में पढ़ा जाएगा तो अल हदी कातू पढ़ा जाएगा, अल हदी कातू, अगर अलिफ लाम के बगैर पढ़ा जाएगा तो हदी का तुन पढ़ा जाएगा। रूल्स आप पीछे पढ़ के आए हैं कि जब इसमें नकरा को हम मारफा करते हैं अलिफ लाम लगाने के बाद तो उसका जो मजमून हालत है वो गिर जाती है, डबल तनवीन गिर जाती है उसकी। असल लफ्ज जो था जदी हदी का तुन, तो अलिफ लाम आया तो अल हदी का तू बना, अब अल हदी का तू से हरफे जारा आ गया तो हरफे जारा ने इसका पेश गिरा के इसको मजरूर कर दिया तो मिनल हदी का ती बन गया। इसी तरह मदरसा तुन, अलिफ लाम आने से बना था अल मदरसा तू, इसके पीछे आ गया इला हरफे जारा तो इसने इसको मजरूर किया तो ये बन गया इलल मदरसा ती जेर के साथ। कोई कंफ्यूजन मुझे बताइएगा, कोई अगर आई है किसी को। नो सर।
जी क्लियर। फोर वाला जरा ये वाला बता दें, सॉरी शायद जो फोर वाली एग्जांपल है वो जी, वाली मैं हमेशा जी नहीं मिन लाहौर ही इलाल इस्लामाबाद ही, ठीक है। यस सर, है, जेर के साथ पढ़ा जाएगा क्योंकि उसने मुझे। अच्छा ये गैर मुंसरिफ है वैसे, इसके ऊपर इराब नहीं लगा हुआ, तो आपके पास क्या इसका इराब लगा हुआ है किसी के पास? नहीं सर, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, इसका राब नहीं लगा हुआ। हाँ जी, अब वैसे तो इसका इराब नहीं है, लेकिन इसको मजरूर के तौर पे अगर हम लेके आते हैं तो मिन लाहौर ही आएगा इला इस्लामाबाद दी। अगर हम, क्योंकि ये वैसे भी साकिन हो जाता है लफ्ज लाहौर, तो रा तो वैसे ही साकिन आती है, और इस्लामाबाद तो दाल साकिन आती है, तो अगर हम इसको इसके साथ जब लेके आएंगे हरफे जारा को, तो लाहौर ही कर लेंगे इसको और इस्लामाबाद ही कर लेंगे, ठीक है ओके सर, जी। आगे तो आसान ही है मेरे ख्याल से, सारी मिसालें आप खुद कर लेंगे। ये सब आ गया, मैं समझ आ गई, बस इसमें कंफ्यूजन थी इसलिए मैंने पूछ लिया। जर का इस्तेमाल, अच्छा जारा भी कहते हैं इसको, जर भी कहते हैं, ठीक है, ये दोनों लफ्ज, ये ना हो के आप परेशान हो जाए कि जर लिखा हुआ है तो जर का, जर का मतलब यही होता है जेर, ठीक है, हरूफे जर, जेर वाले अल्फाज। तो ये बुनियादी तौर पे खुद जिस तरह के मर्जी आए, लेकिन जो इनके साथ इसम आता है, अटैच होता है, उसको उसके आखिर पे जाके ये जेर कर देते हैं, ठीक है, उसको कसरा कर देते हैं। अल वलदु, लड़का कहाँ है? अल वलदु फिल गुरफाती, अब गुरफाती के पीछे में आया कमरे में, तो गुरफाती जो नाउन है, इसम है, कमरा है, तो इसके आखिर पे इसने इसको मजरूर कर दिया। अल गुरफातु, कमरा कहाँ है? अल गुरफातु फिल मंजिली, कमरा घर में है। तो अब देखिए मंजिली घर मोनस है, इसम है, तो इसम के साथ फी हरफे जर आया, तो उसने उसके आखर पे कसरा कर दिया, उसको मजरूर कर दिया हरफे जर में। ये भी बड़ा ही आसान टॉपिक है, आप पीछे भी पढ़ के आए हैं इसको, आज हमने सिर्फ इसके अंदर नई चीज ये पढ़ी है कि ये किस तरह से अपने इसम को मजरूर करता है, और इनको हरफे जर क्यों कहते हैं, और दूसरी चीज हमने ये पढ़ी है कि ये हरूफ कितने हैं और किस तरह से वाकया होते हैं, ये इसम के शुरू में आते हैं अरबी के अंदर। ये 3 से 4 रूल्स हमने पढ़े थे जो आज अभी बयान कर दिए गए हैं। मैं एक दो मिसाल आपको इसकी एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर कोई इसके अंदर कोई ऐसी ऐसा जुमला आ जाता है, ऐसा लफ्ज आ जाता है जिसका वो तब्दील नहीं हुआ इराब, तो हम उसको देख लेंगे कि इसके अंदर गैर मुनसरिफ होने की कौन सी अलामत पाई जा रही है, ठीक है जी। अब तो मेरे ख्याल से गैर मुनसरिफ का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका हुआ है, जो तब्दील ना हो सके जिसका इराब, जिसको हम डीट अल्फाज कहते हैं, ठीक है, ग्रामर के अंदर, लैंग्वेज के अंदर हम इनको कहते हैं डीट अल्फाज। जिस तरह से कोई बच्चा बच्चा बात नहीं मानता, और उसको फिर हम क्या कहते हैं, ये तो बड़ा डीट हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके ऐसे अल्फाज हरूफ जो गैर मुनसरिफ अल्फाज हैं, इनको इस लफ्ज़ के साथ जाना जाता है ग्रामर के अंदर जी। इसी तरह आगे भी है, अल मस्जिदु, मस्जिद कहाँ है? अल मस्जिदु इला तरीकी, मस्जिद रास्ते पर है। अब अला आया तो उसने तरीक तरीकी रास्ते के नीचे आखिर पे जेर कर दी। मन फिल मस्जिदी, मस्जिद में कौन है? अब यहाँ पे दो, यहाँ पे देखें फी सवालिया में आया, तो इसने मस ऊपर देखें सवाल पूछा गया था अल मस्जिदु, अब यहाँ पे सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पे मस्जिदु नहीं फिल मस्जिदी आया है, तो इसका मतलब कि ये फार्मूला जो हमने पढ़ा है बिल्कुल अप्लाई हुआ, मस्जिदों से इसने मस्जिद का इसको मजरूर कर दिया अपने इसम को। अल इमामु फिल मस्जिदी, इमाम मस्जिद में है। अल तिलमीजु, शागिर्द कहाँ है? अत तिलमीजु फी मदरसाती, शागिर्द स्कूल में है। अच्छा ये जब आप मिसालें पढ़ते हैं, तो कोई लफ्ज ऐसा आ जाए जो फेमस ना हो वो लफ्ज, और उसकी अलामत जो मैंने आपको बताई थी 2-3, उसका वसफ होना और अलिफ नून जाय तान और फेल के वजन पर वो नहीं आया, इसका मतलब कि गैर मुनसरिफ होने की उसके अंदर शर्त नहीं पाई गई, तो आप खुद भी उसका इराब चेंज कर सकते हैं। बाज दफा बुक के अंदर भी मिस्टेक्स आ जाती हैं, जिस तरह से मैंने आपको 3-4 मिस्टेक्स ठीक करवाई हैं बुक की, ठीक है, ग्रामर की रूह से वो गलत थी और मैंने आपको दुरुस्त करवाई हैं। इस तरह से आप उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया करें, देखा करें पहले कि ये जो 3 अलामतें मैंने बताई हुई हैं उनमें से गैर मुनसरिफ होने की कोई अलामत तो नहीं पाई जा रही, ठीक है। कोई सवाल करना चाहता है आप में से कोई स्टूडेंट ज़मीरे मुनफसिला पर या हरूफे जारा पर? दो टॉपिक आज हमने ग्रामर के पढ़ लिए।
कल मैं इसकी मशक करवा के साथ हम आज जमा भी शुरू कर लेंगे। जमा का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसको समझना भी पड़ेगा आपको डेप्थ में जाके, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी आपको साथ थोड़ा सा कल इंट्रोडक्शन करवा दूँ ताकि आपको आसानी हो नेक्स्ट डे समझने में। ठीक है, हम इसकी मशक बड़ी ही आसान होगी कल इसकी, हम 5 मिनट में मशक सॉल्व करके इसकी सारी हम अलजमा शुरू कर लेंगे, जमा का लेसन भी। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको जल्द अज जल्द इसको वाइंड अप करें और फिर आप इसकी रिवीजन करें। ठीक है, और टेस्ट भी। अच्छा, नेक्स्ट वीक में मैं एक टेस्ट लेना चाह रहा हूँ आपसे ग्रामर का, बल्कि हम कल गीत भी मुकम्मल कर रहे हैं, हमारी जो नज़में हैं शायरी की वो भी कल मुकम्मल हो जाएंगी, और नेक्स्ट वीक में उसके साथ मैं एक दो लेसन इसका ग्रामर का भी डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसका आसान है काफ़ी, तो ग्रामर का एक दो लेसन साथ शामिल करके उसका नेक्स्ट वीक में टेस्ट ले लेंगे, और आज वाला टेस्ट इंशाल्लाह आज की माजरत कबूल करें, कल हर सूरत आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और कोई सवाल को स्टूडेंट करना चाहता हूँ? जी जी को रिस्पॉन्ड कर दिया करें, फीडबैक दे दिया करें, टीचर्स आपकी अप्रिसिएशन पे ही चलते हैं। सर, ये जो 42 पेज नंबर पे ज़मीर मुंफसिल की जो एग्जांपल है, ये सिंपल है, इसमें ज़मीर नहीं है, ये जो नहनु बनातुन और नहनु तलामीज़ातुन पेज नंबर इस 42, 42 की कौन सी एग्जांपल है, ये जो नहनु वाली है सिंपल जो है यानी किस हामिद नंबर पे है? अब जी ये तो बहुत सी एग्जांपल्स है ना, मिड में जो जाके है नाहनु, क्या नहनु तलामीज़ातुन नहनु बनातुन, पूछा आपने इसमें? मैंने पूछा इसमें जमीर क्या होगी, मतलब नाहनु नाहनु हम है ना, हम जमीर ही हैं, हमारा नाम तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे किसी स्टूडेंट का के हाँ इसमें किंजा स्टूडेंट है, इसमें आयदा स्टूडेंट है, इसमें अली स्टूडेंट है, इसमें फिजा स्टूडेंट है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है नहनु तलामीज़ातुन, तो नहनु हम सब स्टूडेंट। ठीक है, तो नहनु ज़मीर इसमें वाजिया नज़र आ रही है, ज़मीर मुनफसिला पीछे ठीक है। पड़ी और है। ये ठीक है, जो हरूफ जर में है आईना है, ये हरूफ इस्तफा में है, आईना 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 वालद लड़का कहाँ है, ये हरूफ आईना इस्तफा में इस्तफहामिया है, जारा किसने कहा आपको? हरूफ जारा 17 आपने पढ़े नहीं पीछे, उनमें से नहीं आईना था। सर, सर जी जी एग्जांपल बता रही हूँ हरूफ जर में है, आईना कौन सी एग्जाम्पल बताई आपने? पेज नंबर 47 पे फर्स्ट वाली है आईनल वाला दू जी 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 मैं देख लेता हूँ, पेज नंबर 47 पे आईनल वाला दू लड़का कहाँ है? यस सर, इसमें जो आईना है वो हरूफ इस्तेमाल में होगा, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक जी, एक लफ्ज है, है एक एक मिसाल है इसी के नीचे आ जाए नीचे, ये कुल्फियां भी शायद आपकी तरफ ही बिक रही हैं मन। यस जी जी चलें खरीद रहे हैं कुछ, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी खरीदें ना, तो मुझे लगता है कि आप डेली कुल्फी खरीदते हैं, इसलिए वो आखिर वो सायरन बजा रहा है आपकी डोर पे। अच्छा, मन फिल मस्जिदी, यहाँ पे दो लफ्ज इसके अंदर देखें, एक है हरूफे इस्तफहाम सवालिया मन, और दूसरा है फिल मस्जिदी फिल हरूफे जारा, तो इसी तरह आईना जो है ये हरूफे इस्तफहामिया है, जारा नहीं है, ये उसने फिजा ने ऑलरेडी इसको डिफाइन कर लिया है। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। जी, और कोई किसी का कोई सवाल हो भाई? जी थैंक यू वेरी मच बच्चों, इंशाल्लाह आपसे हाजिर होंगे कल नए लेसन के साथ, नई सुबह के साथ, नए कल के साथ, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, सबकी हिफाजत फरमाए, दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। ओके थैंक यू बच्चों, लॉट ऑफ थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।